नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। न्यूज वॉच इंडिया में आज की चर्चा होने वाली है ज्ञान व्यापी के सच की। आज के इस खास कार्यक्रम, आज की पॉलिटिक्स में हम चर्चा करेंगे ज्ञान व्यापी के सच की। वो सच जो अब पाताल से बाहर निकलकर आने लगा है, वो सच जो जल समाधि से बाहर आ चुका है। ज्ञान व्यापी में दो चरणों में सर्वे होता है और दोनों सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है। पहली रिपोर्ट अजय मिश्रा ने जमा की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट विशाल सिंह की है। दो पन्नों की पहली सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने ज्ञान व्यापी के तहखाने से कई ऐसे प्रमाण मिलने का दावा किया है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि आज जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहां पर कभी भव्य मंदिर हुआ करता था। 12 पन्नों की दूसरी रिपोर्ट का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें भी पहली ही रिपोर्ट के प्रमाणों की पुष्टि की गई है। लेकिन अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वाराणसी कोर्ट में इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। अगले एक घंटे तक इसी मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और हमारे इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान मौजूद होंगे। इसी क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल गर्ग जी, जो संघ विचारक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे आशु अब्बासी, जो कि सपा के नेता हैं, फैजल अहमद, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य कृष्ण बिहारी, जो धर्मगुरु हैं, और विनय शर्मा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ पूरे एक घंटे तक इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद जो हमारे मेहमान हैं अनिल गर्ग जी का, जो कि संघ विचारक हैं। सबसे पहला सवाल गर्ग साहब से। गर्ग साहब, बताइए, 350 साल के बाद एक सच सामने आता है और इस सच पे चर्चाएं होती है, बहस होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सच के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के अस्तित्व में कोई बदलाव आएगा? उसके जो भवन है, जो मस्जिद है, उसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 350 साल बाद सच सामने नहीं आया है। ये सच पहले से ही सब लोगों को मालूम है। क्यों मालूम है, इसके बारे में आपको मैं आधा मिनट में ब्रीफ करता हूं। ज्ञान व्यापी मस्जिद जिसको कहा जाता है, अपने नाम से ही ये बताता है कि ये पहले कभी एक भव्य मंदिर रहा होगा। ज्ञान व्यापी एक संस्कृत शब्द है। ज्ञान व्यापी का इस्लाम से, इस्लामिक शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पे एक मस्जिद मंदिर रहा होगा और उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया है। दूसरा, आपने जो बात की कि फर्क क्या आएगा, आप देखिए, जैसे सर्वे का ऑर्डर होता है तो सर्वे का विरोध होता है। आप बताइए, सर्वे में तो एक सच ही सामने आने वाला था ना, तो सर्वे का विरोध ने ही तय कर दिया था कि वहां पे पहले मंदिर रहा होगा, उसके साक्ष्य वहां मौजूद रहे होंगे, उसको छुपाने के लिए सर्वे को रोका जा रहा है। सर्वे रोकने के लिए पहले अदालत में पूरी कार्रवाई करने की कोशिश की मुस्लिम पक्ष ने, वो उससे बात नहीं बनी, तो सड़क पे सर्वे टीम को रोकने की कोशिश की और फिर बाद में कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा बल के साथ सर्वे हुआ। सर्वे में जो सच था, वो जो लोगों के पहले जुबान पे था, मन में था, वो अब डॉक्यूमेंट की शक्ल में, वो अब कागजों पे है, फोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में है। वो सच सबको पहले से ही मालूम था। सबको मालूम है कि नंदी जिस तरफ देख रहे हैं, शिव बाबा विश्वनाथ वहां पे विराजते ही होंगे। नंदी ने ही इशारा कर रखा है कि बाबा विश्वनाथ किस तरफ होंगे, इसमें किसी को शक नहीं था। लेकिन डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, आप ये कह सकते हैं सर्वे के बाद अदालत के पास अब डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है। अब हम कह सकते हैं कि वहां पे जो घंटी मिली है, नाग देवता की आकृति मिली है, सिंदूरी मूर्तियां मिली हैं, वो सारी की सारी इस बात की तरफ इशारा है कि वहां पहले भव्य मंदिर था। हिंदुओं का मान मर्दन करने के लिए औरंगजेब ने उसको तुड़वा के उसके ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया। अनिल जी, ठीक है, तमाम सबूत हैं, तमाम प्रमाण मिल रहे हैं, और जो प्रमाण मिल रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है, ये परिलक्षित हो रहा है कि उसमें सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे तमाम चिन्ह हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां कभी भव्य मंदिर हुआ करता था। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो कानून है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, 1991 का एक एक्ट है जो मनमोहन सरकार के टाइम में बनाया गया था, अगर ये नरसिम्हा सरकार के टाइम में, हाँ, उस सरकार में बनाया गया था, तो क्या आपको लगता है
कि इस एक्ट के मौजूदगी में, अगर इस एक्ट का अस्तित्व है, तो जो राह आप बता रहे हैं कि जिस राह पे आगे बढ़ा जाएगा, क्या वो राह आसान हो पाएगी? देखिए, जहां तक 1991 का एक्ट की बात है जो नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था, उस एक्ट में जो बात है उसके अंदर रह के क्या किया जा सकता, मैं उस पर बात करता हूँ। वो कहीं भी, वो एक्ट हमें किसी भी जगह का सर्वे करने से नहीं रोकता, वो कहीं भी जो इतिहास की सच्चाई है उसको सामने लाने के लिए किसी जांच पड़ताल से नहीं रोकता, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो मथुरा की जन्मभूमि का मामला हो, इवनली ताजमहल या कुतुब मीनार का भी मामला हो, वो कहीं भी नहीं रोकता। आप देश के इतिहास को जो हमें बताया गया है, अगर उस पर कोई सच्चाई को छुपाया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, तो उसको जाँच को सामने लाने के लिए ये एक्ट कहीं नहीं रोकता। एक बात, एक्ट सिर्फ ये कहता है कि जो इसका टाइटल सूट है उसको ना बदला जाए, लेकिन कहीं भी वो वहाँ पे पूजा करने से नहीं रोकता। अगर मान लो वहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलती हैं, शिवलिंग मिलता है, तो वहाँ पे पूजा करने की इजाज़त देने से ये एक्ट कहीं बाधित नहीं है। दूसरी बात, मैं बड़ी बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो अभी तक शायद चर्चा में है नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप मुझे बताइए ये एक्ट बना कब था? 1991 में, देश के आजाद होने के 44 साल बाद ये एक्ट आया है, यानी ये कोई देश की आजादी के साथ ये एक्ट हमें संविधान में मिला, मूल रूप से ऐसा नहीं है। और ऐसे अनेकों एक्ट हैं जो उसके बाद बने, उसके बाद उनको वापस लिया गया, उसमें अमेंडमेंट हुए। अगर ये एक्ट कहीं न्याय में वादा आता है, कहीं ये 100 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करता है, कहीं उनकी आस्था पे प्रहार करता है, कहीं ये सच को दबाने की कोशिश करता है, तो क्यों नहीं फिर देश के 100 करोड़ जनता इस बारे में सरकार से अपील करेगी कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए, इसको रिपील कीजिए या इसको बदलाव कीजिए? ठीक है, लेकिन ये फिर हिस्स तो बहुत लंबी है। कम से कम 10 से ज्यादा ऐसी मस्जिद है, बड़े मस्जिद और तमाम मस्जिद है, तमाम धर्मस्थल है जिसपे विवाद है, लेकिन कम से कम 10 ऐसे बड़े मस्जिद है जिसपे विवाद है, तो क्या आपको लगता है कि यही राह उन 10 मस्जिदों के लिए भी अपनाई जा सके? देखिए, देश में लाखों मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, मैं लाखों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हिंदुओं ने कुछ एक चुनिंदा जिनकी उनकी आस्था उस पर्टिकुलर जगह से है, सिर्फ मंदिर से नहीं, उस जगह से आस्था, ऐसा कर कुछ उन्होंने चिन्हित किया और उन्होंने मुस्लिम समुदाय से ये अपील की कि कृपया करके ये हमें लौटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान का प्रश्न है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान में 100 करोड़ की जनता हिंदुओं की है, अगर उनका आस्था के साथ आजाद भारत में भी खिलवाड़ होगा, उनके मान मर्दन हमेशा होता ही रहेगा, तो ये उनके साथ न्याय नहीं है, अन्याय है। अगर उसके, मैं तो ये कह रहा हूँ, जबकि मैं कल सुन रहा था अपने मुस्लिम स्कॉलर को, आपके ही चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा हमें तो नमाज से मतलब है, हमें तो इस बात से मतलब ही नहीं है कि भैया वो जगह किस कैसी, हम तो नमाज कहीं भी कर लेते हैं, एयरपोर्ट पे कर लेते हैं, ट्रेन में कर लेते हैं, कहीं भी कर। अगर उनको सिर्फ नमाज से मतलब है और हिंदुओं को उस जगह से मतलब है, तो आप दिल बढ़ा करके वो 10-12 जो भी आप अभी गिना रहे हैं उनको क्यों नहीं हिंदुओं को शब्द देते? कोई झगड़े की बात ही नहीं है, हम लाखों की तो बात हिंदू समाज नहीं कर रहा, वो समाज सब चिन्हित कुछ विशेष का, आप मथुरा जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, पूरा हिंदू समाज जानता है, पूरा हिंदुस्तान छोड़ो पूरा विश्व जानता है कि वहां पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसको तोड़ करके उसको मस्जिद बनाया गया कुछ हिस्से को और वहां पे आज पूजा होती है। तो जब हिंदू समाज अगर उसको मानता है ये हमारा अयोध्या की जन्म स्थान है, क्यों नहीं उसको दे दिया जाता? मुस्लिमों को तो नमाज अदा करनी है, उससे 100 मीटर अगर दूर आगे पीछे करते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो भी जिद पे अड़े हैं, उनको लगता है कि हमारा मान मर्दन इससे नहीं हो रहा। हमारे साथ फैजल अहमद भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फैजल जी, क्यों आपत्ति है मुस्लिम पक्ष को? अगर सारे तथ्य सारे प्रमाण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां कभी भव्य मंदिर था, तो क्यों तमाम कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं और क्यों आस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं? फैजल अहमद जी, किस बात का प्रमाण है? प्रमाण क्या है? प्रमाण सबके सामने है, आपके सामने भी है, जो रिपोर्ट में बात कही जा रही है उसे प्रमाण मानेंगे आप? अरे रिपोर्ट तो आपको भेजना है, आप रिपोर्ट बना लीजिए, आपको जो रिपोर्ट बनाना है बना लीजिए। नहीं नहीं, अभी तक इतिहासकार, इतिहास है ना वो, कोई राइटिंग एविडेंस, सुनिए मेरी बात जी। आप बाबरी मस्जिद का केस चला, 50-60 साल केस चला जी, लोग 50-60 साल से यही बात कर रहे थे कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा ना मस्जिद बनाया जी, तो इनकी सारी बात तो झूठ हो गई जो 60 साल से झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं फैजल साहब, तो एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में कैसे कर दिया? अरे सुनिए ना, अगर कोई तथ्य नहीं थे तो कैसी बात कर रहे हैं फैजल साहब? फैसला पड़े पड़े जन्मभूमि का फैसला कर दिया, आपके दबाव में कर दिया। अच्छा, आप कहना चाहते हैं देश का कानून है, देश की अदालतें दबाव में काम करती हैं, आप देश की अदालतों पर तोहमत लगा रहे हैं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत पे आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं।
अरे क्यों नहीं क्वेश्चन खड़ा करेंगे, अदालत का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत फैसले में लिखा ना, करेंगे तो आपके हिसाब से न्याय वही होगा जो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में तय होगा, कैसी बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा ना, सुप्रीम कोर्ट पहले सुन लीजिए, चिल्लाने से नहीं होता है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अदालत अगर न्याय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे हम बता रहे ना आपसे, सुनिए ना। हाँ जी सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा और न मस्जिद बनाया, और 150 साल वो जगह खाली रही, उसके बाद वहां मस्जिद की तामीर हुई, मस्जिद बनाने का भी कोई प्रमाण नहीं है किसने बनाया जी। अब यही बात ज्ञान माफी में कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। अगर औरंगजेब को मंदिर तोड़ना होता तो थोड़े से तोड़ता, पूरी नहीं तोड़ देता, सारी मंदिर नहीं तोड़ देता। नहीं नहीं, और आज भी जो फैजल अहमद जी, मेरी फैजल अहमद जी, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आपको, जो निशानियां फैजल अहमद जी, जो निशानियां मिल रही हैं फैजल अहमद जी, जो निशानियां मिल रही हैं वो मस्जिद के बाहर की मिल रही हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात है और वहां जो मंदिर था पहले, उसको तोड़ने की बात जो कही गई है वो दस्तावेजों में है, जो बनारस के सूबेदार थे उन्होंने, जो बनारस के सूबेदार थे उन्होंने तोड़ने के बाद ये खत लिखा है औरंगजेब को कि भाई हमने ये मंदिर तोड़ दिया है, ये दस्तावेज है। वो दस्तावेज कहाँ है? वो तमाम इतिहास में मौजूद है दस्तावेज, कि आप दस्तावेज फैजल सारी दुनिया जानती है 1664 से लेकर 1679 तक इस मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया, ये सारी दुनिया जानती है, और आप कह रहे कि कहाँ है उसका, कैसा दस्तावेज है, कोर्ट उसका एनालिसिस करेगी ना। अभी तो आप कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोर्ट दबाव में काम करती है, ये भी आप तो जवानी बोल देने से, आपने तो सर्वोच्च न्यायालय, मेरी एक बात सुनिए, औरंगजेब को अगर मंदिर तोड़ना होता तो विशेषगंज की जितनी बाबा की मंदिर है पूरी में तोड़ देता, नहीं तो उसने चर्चा आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्ण बिहारी जी, धर्मगुरु है, आस्था के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। कृष्ण बिहारी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम प्रमाण मिल रहे हैं, जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि मुस्लिम पक्ष उसे फवारा साबित करने में जुटा हुआ है, जो सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्ह मिल रहे हैं, क्या उसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि वहां पे कभी भव्य मंदिर हुआ करता था? सदाशिव सदा रहे हैं और रहेंगे, इनको कितना ही प्रूफ दे दो इनको समझ में नहीं आती है। राम मंदिर के बारे में ये झूठ कहना शुरू कर दिए, दबाव में बता रहे हैं, तो अब इसके आगे इनसे जो है क्या जो है बात की जा सकती है, जो मानने को तैयार ही नहीं है वो अब 12 होता है तो। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जग जाहिर है, कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, हमने थोड़े बोला, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये बात फैसला ही गलत है, वो भी दबाव में लिया हुआ फैसला है। लेकिन फैसले में क्या लिखा, जो बात आप लोग बोलते थे कि बाबर ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई, वो तो झूठ साबित हो गई ना, इसका प्रमाण मिला है, और एएसआई की रिपोर्ट को भी नहीं माना, मैं एएसआई की रिपोर्ट के आधार में माना, वो भी एक मुस्लिम स्कॉलर ने वो रिपोर्ट दी थी। क्या बात कर रहे हैं आप, जो तुरंत बोल नहीं सकते, जो ये भी सच है कि उस वक्त जो एएसआई के प्रमुख थे उन्होंने खुद भी कहा है कि सर्वे के दौरान वहां पे राम मंदिर के अवशेष मिले थे, और तमाम वो अवशेष मिले थे जिसके आधार पे ये साबित हो रहा था कि वहां कभी राम मंदिर हुआ करता था, वो राम जन्मभूमि थी। जब खुदाई हुई तो बौद्ध स्तूप मिला, उसमें से राम मंदिर का कहां मिला, एक को किसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा या एएसआई की रिपोर्ट को माना ही नहीं, उसमें तो बौद्ध मंदिर निकला, बौद्ध स्तूप निकला उसमें से, जब राम मंदिर बन रहा था उस टाइम भी बौद्ध बौद्ध भगवान बौद्ध का स्तूप और तमाम उनकी मूर्तियां मिल रही थी। दोबारा पढ़ लीजिए, अभी भी वो रिकॉर्ड पे है। अरे ठीक है, आचार्य कृष्ण बिहारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मिला राम मंदिर, शायद वो इस मुद्दे पर प्रकाश डाल पाए। आप इधर उधर मत जाइए, अब शिव मंदिर बनने वाला है, जल्दी ही प्रूफ मिल जाएगा, जल्दी। अरे बौद्ध मंदिर मिला है एएसआई की रिपोर्ट में। चलिए, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है, वहां तो जो होना था हो गया, वो हो गया, अब बौद्ध वाले बौद्ध जानेंगे, अब आप अपना देखिए अपना वहां से बिस्तर। अदालत को आप नहीं माने, अदालत अगर फैसला दे देगा कि नहीं वहां पे मस्जिद ही रहेगी तो आप तोड़ देंगे उसको। अरे प्रूफ अदालत को भी मैनेज कर दिए क्या आप? अभी तो मामला अदालत में है, क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा अभी तो भविष्य में, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं?
तो आप कहिए ना कि जो अदालत कहां तक मिल गया, कौन सा तक मिल गया, आपका विवाद है, आप कहिए अदालत फैसला करेगी हम मानेंगे। गए हैं वहां पर सारी व्यवस्था, नंदीश्वर जिधर देख रहे थे उधर शिव जी। अरे भाई अगर अदालत नहीं देगा तो आप फिर भी मानेंगे? आप फैजल साहब बताइए, अदालत सर्वे करिए, आपने मुस्लिम वर्ग ने, अरे सबूत, वो कौन सा सबूत है जो अभी तक पेश किया आपने? फैजल जी फैसले का विरोध कौन कर रहा है वहां पे? फैजल जी अदालत की बात जो आप उठा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की बात करें या अगर अदालत की बात करें, जो एमआईएम के जो लीडर है, अगर उनकी बात करें तो कहते हैं कयामत तक वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगा, चाहे अदालत कुछ भी कहे। तो अदालत पर से विश्वास किसका कम हो रहा है, अदालत पर से विश्वास किसका उठा है? अगर ओवैसी जी ये बयान देते हैं हिंदू समाज कयामत तक वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं लगाया, उन्होंने तो हमेशा अदालत का सम्मान किया है। अभी भी सर्वे को रोकने का काम मुस्लिम पक्ष ने किया, वो तो फिर अगली बार दोबारा आदेश के बाद और भारी सुरक्षा बल के बाद सर्वे हो सका। सर्वे को रोकने की जरूरत क्या थी अगर सच को दबाया नहीं जा रहा? तो सच सामने आया, इसमें तकलीफ किसको है? फैला रहे थे ना। हाँ नहीं, सच कहाँ सामने आया? नहीं सच सामने आया ना सर्वे के साथ, सच सामने आप लोग उसी सर्वे से बचने की कोशिश कर रहे थे, आया क्यों नहीं है? आपको सीलिंग वहां मिला, आपको नाक क्या करती मिली, आपको घंटे क्या करती मिली, आपको सीलिंग मूर्तियां मिली, और आप कौन सा सच जानना चाहते हैं? चलिए देखिए, बहस बहस लंबी है, जब आस्था पे सवाल उठ रहे हैं। आप मुझे बताइए जो मॉडल मस्जिद है उसमें कहां आपने घंटियां बनाई हैं, कहां नाग देवता बनाए हैं, कहां आपने सिंदूरी मूर्तियां बनाई हैं? किसी मॉडल मस्जिद में जिसने आपने बनाया हो मुझे दिखा दीजिए। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, आप उस पर मत जाइए, आप तो ये देख लीजिए जल्दी से जल्दी शिव मंदिर बनेगा वहां पर और सुप्रीम कोर्ट के पास सारे तथ्य पहुंचेंगे और आप जो है सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार रहिए, संविधान को मानने की तैयार रहिए। जब आप मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी जबरदस्ती मनवा लेंगे? नहीं तथ्य है हमारे पास, विश्वास है हमारे पास। नहीं, नहीं आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? सच्चाई के साथ सारे प्रूफ है, इतना कैसे विश्वास से बोल सकते हैं? इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि सच्चाई के साथ जाएंगे। सच्चाई है, आप तैयार रहिए मानने को, बस आप बदलिएगा मत बाद में आपके अनुकूल हो। अरे हम तैयार है, हम लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए, संविधान सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए। अभी राम जन्मभूमि के मामले आपने सुप्रीम कोर्ट पे मैच कर लिया, ये आरोप लगाया, अभी कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार है, फिर इस पे भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में फैसला किया। आप पहले सोच लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं दबाव में करेंगे तो बोलना ही पड़ेगा ना, दबाव में कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दबाव में काम करते हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, अदालत का मानना है। हमारे साथ इस बीच में एक मेहमान जुड़े हैं, आशु अब्बासी जी हैं, सपा के नेता हैं, और वो उनसे मैं केवल यही जानना चाहूंगा, अभी जो बात हो रही है आस्था के साथ खिलवाड़ की बात हो रही है, या आस्था पे अगर किसी का विश्वास नहीं है उसकी बात हो रही है, आशु जी आपको क्या लगता है? आपके नेता हैं अखिलेश जी, अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि जहां भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, वही मंदिर हो जाता है, क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये आस्था के साथ खिलवाड़ा, कहीं भी कोई शिवलिंग नहीं मिला है, वो पानी का फुहारा मिला है ज्ञानवापी मंदिर में और भारतीय जनता। आशु जी ज्ञानवापी मंदिर की बात हो रही है लेकिन वो आपसे मैंने पूछा नहीं, सवाल ये है कि क्या कहीं पत्थर रख दो, लाल झंडे लगा दो तो वहाँ मंदिर बन जाता है? बीजेपी साजिश करती है इस तरीके से जमीन कब्जा करने की, जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्ती करा रहे हो, कहीं भी मस्जिद दिख रही है वहीं भी मूर्ति लगा देते हैं। उसके बाद आप कहना चाहते हैं जो शिवलिंग मिला है उसको भी रातों रात वहाँ प्लेस किया गया है? शिवलिंग नहीं है, पानी का फुहारा है, वो पानी के फुहारे को आप जो वहाँ पे घंटियों की आकृति मिली है, नाग देवता की आकृति मिलती है, वो भी रातों रात लगाई गई है, आप ये कहना चाहते हैं? यहाँ तक पहुँच गए अब और कहाँ, राम मंदिर पे गोली चलवाने वाले अखिलेश जी को, मंदिर नहीं है, मस्जिदों पर टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिद है, मस्जिद के भक्तों को राम सेवकों पर गोली चलाने वाले टारगेट भी किया जा रहा है, जो इतिहास में क्रूरता हुई है उसको उजागर किया जा रहा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के जो सोच वाले लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा जी जुड़ गए। शर्मा जी आपको क्या लगता है, क्या ये रास्ता कानून के माध्यम से तय होगा या आस्था और प्रमाण को कानून नजरअंदाज कर देगा? शर्मा जी सिर्फ मंदिर 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 कोई विकास कर रहे हैं?
कोई बच्चों को रोजगार मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई मिल रही है, देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है, माननीय योगी के साथ है, तो आपको दिक्कत कहाँ की है? जब देश की जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है, आपके कहने से थोड़ी चले जाएंगे वो। अब्बासी जी, पहले तो आप उन सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं जहां पे आप फंसते हुए नजर आते हैं, जहां पे आस्था की बात होती है, आपके नेता साहब ने आकर के अगर आस्था पे सवाल खड़े कहा कि जहां मर्जी मंदिर बन जाता है और जैसे चुनाव आएंगे वो खुद मंदिर बन जाएंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे, उनसे बड़ा कोई हिंदू है नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा, मस्जिद भटका रहे मुद्दों से आप। आप अपने मुद्दे लाओ ना, कौन रोक रहा है? कोई काम क्या है? मस्जिद का बीज बो देते हैं जो अंधभक्त होते हैं, उन लोगों का ध्यान मंदिर मस्जिद पे ही है ना, कुछ नहीं पता देश में क्या हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं, आप क्यों नहीं मुद्दे उठाते हैं, आप क्यों नहीं सवाल करते सरकार से? कौन रोक रहा है आपको? तो ये ना बुद्धि, ये जो हमारे अंधभक्त है ना, मंदिर मस्जिद के आपके हटा रखा है, आपके नेता, आपके नेता पार्टी ने, आपके नेता भी तो वही मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो जिधर वोट बैंक देखते हैं वहां खड़े हो जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे देश के मुसलमान भाई वो औरंगजेब के साथ क्यों खड़े होते हैं? वो खुद तो औरंगजेब द्वारा पीड़ित व्यक्ति हैं। क्योंकि हम लोग औरंगजेब के वंशज है ना। नहीं साहब, हम लोग औरंगजेब के, हम लोग औरंगजेब, किन कारणों से आप औरंगजेब? औरंगजेब हम लोग, ओके तो मान के चलता हूँ, औरंगजेब द्वारा नहीं, औरंगजेब के वंशज है हम लोग, तो सबसे ज्यादा हम लोग औरंगजेब के वंशज है ना। अरे हमारे पूर्वज औरंगजेब थे, आप सुनिए ना बात को जी, हम लोग का डीएनए औरंगजेब का, हम लोग अपना डीएनए नहीं बदल सकते ना। आपका डीएनए आप जितना चाहिए बुराई, जिसने पूरी जिंदगी नहीं, मैंने पूरी जिंदगी जिसने इस देश को अखंड भारत बनाने में लगा दिया, 25 की जीडीपी जिसकी थी, आप उसको अपमानित करते हो तो आपके कहने से थोड़े हो जाएगा। औरंगजेब ने इस देश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एक करके अखंड भारत बनाया। देखिए ठीक है, और इतने बड़े देश का भूभाग को, इस देश की सीमा को बनाया, इस देश की पूरी जिंदगी अपने लगा दिया इस देश की सेवा करने के लिए, इस देश को सजाने सवारने में, तो औरंगजेब द्वारा जितनी सुरक्षा हुई है उसका भी सामना आपको करना ही पड़ेगा। और आप जो तमाम दावे कर रहे हैं, शायद आपने इतिहास नहीं पढ़ा, अगर आप इतिहास अगर पढ़ा होता तो सम्राट अशोक का नाम आपको समझ में आता, किए गए क्रूरता का भी सामना आपको करना ही पड़ेगा। खैर वाह, देखिए तमाम बहस चल रही है, तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है, इस बीच में हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या जो तमाम सबूत मिल रहे हैं, जो तमाम प्रमाण मिल रहे हैं, वो कानून में ये साबित करने के लिए काफी है कि वहां भव्य मंदिर था और वहां भव्य मंदिर बनेगा, या फिर आपको लगता है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है कि इतिहास चाहे कुछ भी हो लेकिन भविष्य वही होगा जो कानून कहेगा? विनय शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? विनय शर्मा जी, सबसे बड़ा अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ये सपा वाले कह रहे हैं कि एंकर एंकर नहीं दिख रहे हमको, एंकर कहां बैठे, आपके एंकर नहीं दिख रहे हमको, कहां बैठे? ठीक है ठीक है, लेकिन आप तक आवाज तो पहुंच रही है ना विनय शर्मा जी? पता नहीं चला ना एंकर कहां से बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिए कि क्या ये तमाम जो सबूत और प्रमाण है वो भविष्य को बदल सकते हैं, या कानून इतिहास को नहीं मानता है, प्रमाण को नहीं मानता है, होगा वही जो कानून कहेगा? शर्मा जी, एक चीज की इजाजत चाहता हूं, मेरा अजान हो गया, अब नमाज का टाइम हो रहा है, इसलिए हम चलिए चलिए ठीक है ठीक है, आपकी भी आस्था है, उसका भी हम सम्मान करेंगे, आप जरूर जाइए, नमाज अदा कीजिए, लेकिन यह सुनकर के बहुत अफसोस हुआ कि आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारे अंदर डीएनए औरंगजेब का है, इसलिए हम तो उनकी पैरवी करेंगे। पता नहीं आक्रांता आपके हीरो कैसे हो गए, आप उनके डीएनए के कैसे हो गए, ये मैं अपने सुनिए, नहीं नहीं आप मेरी, आप उस पर बुरा मत मानिए, देखिए हम जो है वो है, हम उसको बदल नहीं सकते, आप अपने दादा परदादा को नहीं भूल सकते ना। अरे आप मेरी बात समझिए, अच्छे हो बुरे हो, जो हम लोग हैं वो रहेंगे, आप उसको चाहे जिस नजरिए से देखिए, हम उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन हम अपनी अपने वंशजों को नहीं भूल सकते। नहीं नहीं बिल्कुल आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, हम तो अच्छा कहिए बुरा कहिए, पहले 10 मिनट में हिंदू ही थे आप, कहां से औरंगजेब के वंशज बन गए? हम बिल्कुल औरंगजेब के वंशज हैं। हम लोग जो है एक खूबसूरत इतिहास है इस देश को संगठित करने में, नौ नौ पीढ़ियां जिसकी दफन है और 900 साल सेवा किया है औरंगजेब मुगलों ने इस देश की। आप कहना चाहते हैं देश में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो सब औरंगजेब और अखंड भारत के वंशज हैं। अखंड भारत बनाने में भारत का नहीं, नहीं, आपने तो 70 साल में और ये देश के 20 करोड़ मुगल लूट के कहा है सेवा औरंगजेब के वंशज हैं। सेवा सेवा क्या मंदिरों को तोड़ के किया गया? लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, ये सेवा की है? अगर करोड़ लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया था वो लोग कौन थे? ये एक शोर मचा के आप मुझे बताइए औरंगजेब द्वारा जो धर्म परिवर्तन कराया गया लाखों करोड़ लोगों का वो लोग कौन थे? अगर आप सारे लोग औरंगजेब के वंशज हैं तो हमारा आप डीएनए चेक करा लीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए ना। जो औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया जिन लोगों का वो लोग कौन थे? अगर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब वंशज होना गलत नहीं है, लेकिन गलत तथ्यों का साथ देना, गलत जानकारियों का साथ देना, ये गलत परिवर्तन कराया वो लोग कौन थे? सर्टिफिकेट नहीं दे सकते किसी। अरे फैजल साहब किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप तो औरंगजेब के वंशज हमने मान लिया, लेकिन जिन लोगों का औरंगजेब सल्तनत ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया लाखों करोड़ों लोगों का वो लोग कौन है? कोई इसका प्रूफ नहीं है किसी के पास, कोई इसका सबूत नहीं है। सुने आप, ठीक है ठीक है, चलिए फैजल साहब आपको इतिहास की जानकारी बहुत है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। चलिए चलिए इस चर्चा चर्चा से हम थोड़ा भटक रहे हैं, चर्चा से हम भटक रहे हैं, विषय से हम भटक रहे हैं। फैजल जी ठीक है, आप आपकी भावनाएं आपके साथ है, आपकी आस्था आपके साथ है फैजल जी, लेकिन यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन किसका वंशज है। जोधा माँ को अकबर ने अपने महल में मंदिर बना के दिया था कि नहीं दिया था, बोलिए। खैर छोड़िए, ये विषय नहीं है, विषय ये नहीं है फैजल जी, इस पे बात नहीं होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। आप मुद्दे को भटका रहे हैं। चलिए हम सीधा रुख करेंगे, सीधा रुख करेंगे आचार्य जी के पास। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, क्या आपको लगता है कि अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, ऐसा ही सूट फाइल किया गया है मथुरा में, इसी तरह की बात हो रही है ताजमहल से संबंधित, इसी तरह की बात हो रही है कुतुब मीनार से संबंधित, तो क्या लगता है कि यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है और आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है? इनको घबराहट इसलिए जो है क्योंकि औरंगजेब का बता करके ये लोगों को, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़का करके और कुछ नहीं, हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। और अभी ये सज्जन जो अभी बैठे हैं मुसलमानों को आप सपा वाले शांत रहिए, सपा वाले शांत रहिए। अभी तुमने राम मंदिर भक्तों, राम मंदिर के भक्तों पर तुमने गोली चलाई थी, अब तुम शिव मंदिर के भक्तों पर भी चला लेना, ठीक है? अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने जो सारी मस्जिद सही कर दो ना, सारी मस्जिद सही कर दो, मोदी जी बैठे में सारी मस्जिदों में तुम्हारे मंदिर बने हुए हैं। और औरंगजेब के पास जाइए और बाबर के पास जाइए, तुम उनकी संतान हो। अब यहाँ भारत के जो है मुसलमानों को परेशान मत करिए, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का, हमने सही का, हमने आजाद कराया देश को। तुम्हारा बाप तो तुम्हारा औरंगजेब हम नहीं जाएंगे, जो उनकी सोच ऐसी वो कुछ चले जाएंगे, वो टारगेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देखेंगे कब तक करेंगे। किसी का बाप हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हमने जन्म लिया, यही मरेंगे, यही पैदा हुए। औरंगजेब बाप था ना तुम्हारा? तो तुम्हारा बाप होगा, हमारा गाय को होता, हमारा अरे अभी अभी, अरे अभी अभी तो कह रहे हैं एक बाप है हमारा। आपको तमाम दर्शक, देश भर के दर्शक देख रहे हैं, भाषा की गरिमा बनाए रखें। अभी तो सिर्फ तुम मस्जिद को टारगेट करनी है, मुसलमानों को परेशान करना, वो तो आप कर रहे हो। तुम्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, किसी के घर में तो नहीं है, उससे कोई दिक्कत, उससे कोई परेशानी नहीं है। अभी महंगाई है तुम्हारे समय पे 2 रुपए बना दो तुम सबको, सपा के समय पे 2 रुपए किलो मिल रहा था सब कुछ। अब तो फ्री मिलने के बाद भी नोटिस आ रहे हैं, इनके एसी लग रहा है, इनके बाइक है, अब तो गरीबों की मुसीबत आ रही है। आने दो ना, सिलेंडर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपनी नीतियाँ बदलो, नीतियाँ बदलो, मुसलमान सपा कहाँ पहुँच गई? अरे सपा कहाँ पहुँच गई, उसका ध्यान दो। सपा वपा तो आती जाती रहती, सरकारें बदलती रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चले कितने सालों में रिपीट हुई है, हमेशा कोई ना रहा ना।
सब बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे। ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई स्थायी तौर पे यहाँ पे नहीं है। लेकिन आशु जी ये बताइए कोई नहीं कि है, कोई नहीं लिखा के लाया। आशु भारतीय जी जनता पार्टी की विदाई होगी, आप लोग ठीक है, करेंगे जब अभी विदाई तो होगी सोचो तब ना, हो जाएगी, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। जब जब विदाई होगी तब हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके नेता भी एक उस वोट बैंक की तरफ जा रहे हैं जिस पे आज सवाल खड़े हो रहे हैं? मुसलमानों को यूज कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, कोई नहीं बोल रहा, कौन यूज कर बाकी रहा है कोई नहीं बोल मुसलमानों को वोट रहा बैंक के लिए? कौन यूज कर रहा है मुसलमानों को वोट बैंक के लिए? समाजवादी पार्टी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? समाजवादी पार्टी ने यूज करा, कहाँ बोल रहे हैं किसके लिए, मुसलमानों के लिए, कौन जब, बोल रहा जब जब तो जब जब ये जब, बात, ये बात समाजवादी पार्टी को कहिए, आशु जी को कहिए, बीएसपी को कहिए, कांग्रेस को कहिए कि आप हमें यूज क्यों कर रहे हैं। आशु जी जब वोट बैंक की बात आती है तो परशुराम जी के मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, जब वोट बैंक की बात आती है तो हनुमानगढ़ी में जाके पूजा अर्चना होने लगती है, और जब वोट बैंक की बात आती है तो ज्ञानवापी मस्जिद की आस्था से आपको मतलब नहीं होता। आपके नेता कहते हैं कि जहां भी पत्थर रख दो, जहां भी झंडा लगा दो, वहां पे मंदिर बन जाता है। क्या इस तरीके से आप राजनीति करेंगे? क्या आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे? जब आपका मतलब हो तब आप मंदिर पहुंच जाए, जब आपका मतलब हो तो मस्जिद के सामने खड़े हो जाए। मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, फुआरे को शिवलिंग बना दिया है, बाबरी मस्जिद जबरदस्ती अफगानी मस्जिद के पीछे पड़े, सारा मस्जिद में है, ताजमहल तोड़ दो ना, थोड़ी है ताजमहल को तोड़ दो, मंदिर बना दो ना, कई करोड़ रुपए रोज की कमाई है, कुतुब मीनार को तोड़ो, मंदिर बनाओ, कौन मना कर रहा, कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी का देश है, किसी ने कुछ नहीं ना, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। फ्लैट आपकी दिख रही है ये भी देश देख रहा है, फ्लैट नहीं है, टारगेट कर रहे हैं। देखिए देखिए, कोई बना ले या कोई तोड़ दे, यहाँ संविधान का राज है, यहाँ कोई सरिया नहीं है, राज है यहाँ 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानून की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात संविधान की है, यहाँ कायदे कानून की बात है। जो संविधान कहेगा, जो कायदा कानून कहेगा वही होगा, किसी के कहने या सुनने से कुछ नहीं होगा। अब खैर छोड़िए, कानून क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे। रामकुमार जी और विनय शर्मा जी दोनों हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। रामकुमार शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि एक बार फिर अयोध्या की राह पे ज्ञानवापी मस्जिद जा सकता है? बिल्कुल है, कानून में सभी प्रावधान है, और इस मामले में कहीं भी वर्सी पैक्ट हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि जो वर्सी पैक्ट है वो केवल ये कहा गया है कि किसी दूसरे धर्म के किसी धार्मिक उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा, तो हम स्वरूप नहीं बदल रहे हैं। हाँ, ये हमारा मंदिर था और मंदिर पे इन्होंने जबरन कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे को हम वापसी मांग रहे हैं, उसमें अपने पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। तो एक तो ये कि इस पर वर्सी पैक्ट कहीं लागू नहीं होता, और ना ही वर्सी पैक्ट में डिफाइन किया गया है कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन पर ये लागू होगा, ये केवल उन पर लागू होगा जो सेपरेट मस्जिद उन्होंने अपने जमीन पर बनाई हुई है। ठीक है, नहीं एक एक मामला ये भी आया था कि यहाँ पे जो पूजा स्थल अधिनियम की बात हो रही है जो 1991 में आया, नरसिम्हा राव उसकी सरकार में आया, दूसरा कानून है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है वो है एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट जो 1958 का है। उसमें ये प्रावधान है कि जो मूल ढांचा है अगर उस पे तोड़ के कुछ बनाया गया है तो वो मान्य नहीं है, वो एंशियंट मॉन्यूमेंट में वही चीजें आएंगी जो मूल थी। तो क्या आपको लगता है कि ये कानून भी यहां पे उस चीज को, उस एक भव्य मंदिर को संरक्षण देने में कामयाब साबित हो सकती है? मेरे विचार से हो सकता है कामयाब देने में, क्योंकि उस जो समय वो बनाया गया था उसका उस समय उसका स्वरूप दूसरा था। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मस्जिद तोड़ रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं जो प्रूफ मिलने हैं वो मस्जिद वो मंदिर के प्रमाण है, और वहां पे जो अब तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिली है, वो सब ये कह रही है कि यहाँ पहले मंदिर था, आज भी वहां मंदिर है, जबरदस्ती कुछ लोग आकर वहां अपनी नमाज पढ़ने लगे तो उससे वह मस्जिद नहीं बन जाती है, इसलिए इस पर वो कोई भी एक्ट लागू नहीं होता। और किसी चीज को अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसको डिस्पोज करने का राइट हर आदमी को है, अपनी बात न्यायालय में कहने का हर आदमी को अधिकार है। ठीक है, विनय शर्मा जी, किसी को न्यायालय में जाने से नहीं रोक सकता किसी भी बात के लिए। हमारे साथ विनय शर्मा जी भी है। विनय शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि निचली अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम क्यों उठाया? अभी सुप्रीम कोर्ट बैलेंस ऑर्डर पास कर रहा है,
दोनों पक्षों को सुन रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट के अभी ऑर्डर देने के लिए रोकना बहुत सही बात है, क्योंकि जो भी कोई होगा वो जल्दबाजी में होगा, लेकिन उसने प्रोसीडिंग को नहीं रोका है, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। ऑर्डर पास करने के लिए रोका है, वो भी कब तक के लिए रोका, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं दे देता। राम कुमार शर्मा जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात का जवाब विनय शर्मा जी काफी दे चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी किसकी है, किसने किसकी तोड़ी, किसने किसका कब्जा किया, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना, क्या साक्ष्य थे क्या साक्ष्य नहीं थे, ये तो न्यायालय में विचाराधीन है, वही डिसाइड हो पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है देश के सामने, क्या ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे शासन प्रशासन या न्यायालय को इस प्रकार से जिस प्रकार का माहौल बन गया है देश में, क्या संज्ञान लेना चाहिए, है ना। जहां आपका स्टूडियो है या जहां मेरा घर है, आज इसकी भी आप खुदाई करके देखेंगे तो किसी ना किसी प्रकार के आपको यहाँ पे हजारों अवशेष मिल जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें मुस्लिम आक्रांताओं ने अगर मंदिर तोड़े हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बौद्धिज्म के समय या जैनिज्म के समय बहुत सारे उनके मंदिर भी तोड़े गए, क्या उस पर भी कुछ प्रश्न होगा। ये माहौल बनाया क्यों जा रहा है, देश को मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है सर, देश को आवश्यकता है ज्ञान की, विज्ञान की, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। आप भी इतने हाइपर होकर इतने सारे इतिहास की आवश्यकता नहीं है महाराज, ये महाराज बैठे, देखिए इतिहास क्या कहता है, इतिहास क्या कह रहा है, इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पिक एंड चूज वाली बातें नहीं होंगी विनय जी, कि जो जिसमें मीडिया इंटरेस्ट है, राम कुमार शर्मा जी आड़े आता है सर, सुनिए ना, अगर आप एक प्रश्न एक मुझसे राम कुमार जी एक देखिए राम कुमार जी, आप जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी राम कुमार जी, महंगाई हमेशा बढ़ रही है, महंगाई हमेशा से बढ़ती रही है और बढ़ेगी। ठीक है राम कुमार शर्मा जी, जवाब नहीं आते क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ना, राम कुमार शर्मा जी यही चल रहा है पूरे देश के अंदर। आचार्य कृष्ण बिहारी जी आपको जवाब देना चाहते हैं, बताइए आजादी क्या जवाब देंगे सर, इनके पास एक एजेंडा है, उस एजेंडा को लेकर चलेंगे रिहन बोलेंगे। नहीं 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 राम कुमार जी, राम कुमार जी इनके पास जवाब नहीं होगा, जिस अकबर को गाली देते हैं उसी अकबर ने तुलसीदास जी को शेल्टर दिया था, तब वो रामचरितमानस लिखी गई थी, इनको इनके संज्ञान और क्या क्या किया अकबर ने, केवल कुमार जी याद करो, आपका नाम बहुत अच्छा है, पता लगेगा वो इतिहास भी ठीक पढ़ाया गया या गलत पढ़ाया गया, क्या बात कर रहे हैं राम कुमार जी। और दूसरी बात, शिक्षा स्वास्थ्य विकास ये सारी चीजें आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती, वो अपनी जगह आस्था आस्था देश के 100 करोड़ लोगों का मानना है कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर था, इतिहास कहता है उसको तोड़ के बनाया गया, एक तीन मंदिर लेने के लिए देश के 100 करोड़ लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है और कानून की मदद मांग रहे हैं, उसमें भी आपको आपत्ति है। अरे कानून के पास जाते न्याय मांगने में आपको क्या आपत्ति है, किस चीज में आपत्ति है, कानून के पास जाके देश के 100 करोड़ हिंदू अपने लिए अगर न्याय मांगते हैं उसके लिए आपको क्या आपत्ति है, इसमें शिक्षा स्वास्थ्य विकास महंगाई बेरोजगारी बाकी सारी राफेल छोटे छोटे कंट्री राफेल बना रहा है साहब, देखिये तमाम तमाम मुद्दे हैं, देखिए इस पे चर्चा कीजिए ना, नहीं वो राम कुमार जी ये विषय ठीक है, राम कुमार जी आउट पैदा कर रहा है हमारी आस्था के समय ही चाहिए, राम कुमार जी आप पे कोई भी पक्ष में बीजेपी हो रही है इस पूरे मामले में, बीजेपी कोई पक्ष नहीं है राम कुमार जी, बीजेपी कोई पक्ष नहीं है, 5 महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की, उन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कही और उसका पूजा करने का अधिकार मांगा, उसके बाद सारी चीजें बाहर आ रही है, तो इसमें मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी तो पक्ष पे है या विपक्ष पे है, तो मुद्दा तो दूर की बात है, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ आस्था की बात हो रही है, मस्जिद था, जनसंख्या कानून मंदिर था, मस्जिद था, महंगाई कम की जाएगी, जनसंख्या कानून लाया जाएगा, माहौल क्या बनता है, महंगाई कम हो जाएगी, आपकी पीड़ा बना रहा है देश, देश की कानून की अदालत ने एक निर्णय दिया कि वहां पे सर्वे करवाइए, वो भी 5 महिलाओं के कहने पर, दीजिए सर्वे, आप मुझे बताइए सर्वे को रोकने का काम किसने किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, क्यों मुद्दा बनाया उसको सर्वे को रोकने के लिए, अगर सर्वे को रोकने का मुद्दा ना बनाया, राम कुमार जी कानून अपना काम कर रहा, राम कुमार जी आप महंगाई कम करना चाहते हैं, मुद्दा बनाया किसने किया,
जनसंख्या नियंत्रण कानून का सब समर्थन करते हैं सर। ठीक है ठीक है, आएगा आएगा जल्दी, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई आपकी। आसू अब्बासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आसू अब्बासी जी बताइए। कुछ लोगों की देश में मुसलमान गाय गोबर मंदिर मस्जिद इनकी दुकान बंद हो जाएंगी, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो भगत जी भी इसी सोच के हैं, ये इन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं है। हमारी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा अभी बढ़ रही है, पहले से ही ऑब्जेक्शन तो नहीं करोगे, उस समय ग्रोथ तो नहीं करोगे। बोल रहे हम लोग इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कौन रोक रहा है? देखिए और मैं जनसंख्या आप सभी कहना चाहता हूं किस तरह के डिबेट ना करें, आज अपने घर में मंदिर मस्जिद सब के जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन हमारा देश कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। आज कितनी बुरी स्थिति में है हम लोग, हमारा कारोबार खत्म हो गया, सारी स्थिति अभी पैदा हुई है पिछले 7 सालों में। आपको कारोबार भी मिलेगा, इससे पहले कांग्रेस के राज में बढ़ने पर महंगाई कितनी हो गई, सरकार ने पहुंचा दिया, महंगाई कम हो जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। आसू जी तमाम मुद्दे आपके वाजिब हैं, कानून आएगा तो आपको विरोध तो नहीं उठाइए, आप जो उठाइए बता रहे हैं, ज्ञान वापी मंचों पे उठाइए, सामाजिक मंचों पे उठाइए, कौन रोक रहा है आपको? ज्ञान वापी मस्जिद उत्तर प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश में रहेगी, सत्ता में। आसू जी सुन लीजिए, देश के हित, आसू जी सुन लीजिए, आपकी ही बात कर रहा हूं मैं, आसू जी सुन लीजिए, जो तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश में, वहां पे वहां की जो विपक्ष है, वहां विपक्ष की भूमिका में आप हैं, तो विपक्ष की भूमिका होने के बावजूद आप उस भूमिका को ईमानदारी से निभा क्यों नहीं पा रहे? आप जो तमाम मुद्दे मुझे गिनवा रहे हैं या टीवी पे गिनवा रहे हैं, ये मुद्दे आप उठाते क्यों नहीं है? पांच महिलाएं सामने आती है और एक मुस्लिमों को टारगेट, पांच महिलाएं एक बड़ा मुद्दा बना देती है और आपकी पूरी पार्टी कोई मुद्दा नहीं बना पाती है, ऐसा क्यों होता है? बनाएगी बनाएगी, आ रहे निकल के आ रहे, चल रही है, कब बनाएगी? हम लोग आएंगे, आप पिछले 6 साल से सत्ता से बेदखल हैं, अभी किसी मुहूर्त का इंतजार है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, विरोध तो नहीं करोगे? किसी को नहीं होगा, हमें किसी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं है, जो देश हित में कानून बनेगा हमारे सर माथे पर है, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान गाय गोविंद मंदिर मस्जिद इसे खत्म करे, देश को आगे बढ़ाए, विकास पहले से रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हिंदू मुसलमान इस देश में अपीजमेंट की राजनीति कौन करता है? मैं तो बातों से सहमत हूँ, सारी बात अच्छी बोली इन्होंने, देश हित के लिए बोले बांटने के लिए ना बोले, देश को बर्बाद ना करें। ठीक है ठीक है, देश को बर्बाद। चलिए मुद्दा क्यों बना इस पे भी थोड़ी बहस होनी चाहिए, लेकिन सब मेरे सर माथे पर, मेरे आसू जी भाई है हिंदू, मेरे दुश्मन नहीं है, मुठ्ठी भर लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, देश हित में देश नियंत्रण कानून के लिए सहसम्मति दे दीजिए। आचार्य जी आपको लगता है कि जनसंख्या कानून आ जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? इस देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या नियंत्रण है, ये आना ही चाहिए कानून, इसका समर्थन बिल्कुल आना चाहिए, जितने जल्दी आएगा। जिन लोगों का जो बदल बदल करके इनके पिछला रिकॉर्ड देखो ना, तो जितनी भी पार्टियां सेकुलर वाली है ना, यही रोना रोएंगी, यही आगे आज की बात करो, कल की बात छोड़ो, आज की करो, आज हम कहां खड़े हुए हैं, हमारा पिछला रिकॉर्ड, हम कहां पहुंच रहे हैं, पिछला दुनिया कहां पे, जीडीपी हमारी कहां है? आसू जी यही बेरोजगारी हो रही है, दिक्कत तो यही है कि जो आज का मुद्दा है उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं औरंगजेब की और अकबर की, जो आज का मुद्दा है उसमें तो वाकई बात होनी चाहिए, लेकिन आप आज के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते? कृष्ण मंदिर भी बनेगा, सच्चाई को सामना करने की ताकत नहीं, कानून मानने को तैयार रहिए, केवल आप सुप्रीम कोर्ट को मानिए, संविधान को मानिए, अगर मंदिर था तो मंदिर वहां पर रहेगा, ताजमहल की आप बात कर रहे हैं, ताजमहल के खानों की जांच करने का विरोध क्यों करते हैं? अगर देश के सामने कोई सच्चाई आती है तो उसका विरोध क्यों करते हैं? सच्चाई का सामना करने का तैयार क्यों नहीं करते? पंडित जी तुम्हारी जैसी सोच के लोग देश का बेड़ा गरक कर रहे हैं, देश का बेड़ा गरक कौन कर रहे हैं तो देश जानता है, सोच बहुत अच्छी है, और देश आज सुरक्षित हाथों में भेजा गया है, देश कंधे में जाए,
लेकिन आप जैसी मानसिक रोग वालों की कहानी अभी जो है ना तुम्हारी दाल रोटी बढ़ेगी, बेरोजगारी हो जाएगी, जब श्रीलंका जैसा हालात हो जाएंगे देश के। आशु जी आप पंडितों के साथ रहिए, मौलानाओं का हालात क्या होंगे ये तो मौलाना को नहीं रह सकते। मौलाना को गलत बात नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या देखिए, इसीलिए तो आपकी जो है स्थिति विचारधारा एकदम अलग हो गई है। आप थोड़ा पंडितों के नजदीक आइए, आपको मिलेगा शांति। पंडितों में रहना, पंडित बुरे ना है, पंडित अच्छे हैं, तुम जैसे सोच के लोग अच्छे नहीं है। देखिए लोग अच्छे हैं, पंडित तो मेरे दोस्त है। आप पूरे पंडितों को जो ये तो सबको जब जाहिर है, यहाँ मुद्दा नहीं है, क्या क्या कहा वो सबको सब मालूम है। चलो आपको भी ठीक से मालूम है, ठीक है ठीक है। सच्चाई का सामना करने में देखिए मैं हो रही है, मैं सभी मेहमानों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही मैं अनुरोध करूंगा, मुद्दा जो है हम उस पे चर्चा करें। मुद्दा ये नहीं है कि मुस्लिम अच्छा है, हिंदू अच्छा है, कौन खराब कर रहा है, कौन देश के माहौल को बिगाड़ रहा है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो सामने में प्रमाण आ रहे हैं, जो सबूत आ रहे हैं, क्या इसका इलाज गंगा जमुनी तहजीब नहीं हो सकता? क्या गंगा जमुनी तहजीब के तहत इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता? गंगा जमुना सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, हम उनका आदेश का पालन करेंगे, पूरा देश पालन करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की मानेंगे, लेकिन जो निचली अदालत है उसको नहीं मानेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। निचली अदालत ने देखा ना, पानी के फव्वारे को शिवलिंग बना दिया। अभी तो अदालत ने ना उसको शिवलिंग बताया ना फव्वारा बताया, अभी तो वहां पे रिपोर्ट फाइल नहीं है। लेकिन जब उसने सर्वे का आदेश दिया था तो क्यों मुस्लिम वर्ग ने उसका विरोध किया था? क्या तकलीफ थी सर्वे कराने में उनको? क्यों उनको जबरदस्ती सर्वे कराने की नौबत आई? इसका जवाब दीजिए। दोबारा क्वेश्चन करो, दोबारा मैं कह रहा हूँ साहब, जब देश की निचली अदालत ने सर्वे करने का आदेश दिया तो क्यों मुस्लिम साथियों ने उसका विरोध किया? सर्वे टीम को सर्वे करने नहीं दिया गया, क्यों अदालत को दोबारा आदेश देके ज्यादा सुरक्षा बल के साथ वहां भेजना पड़ा? क्यों विरोध करने की आवश्यकता थी? अगर कोई सच्चाई नहीं छुपा रहे थे सर्वे होने के लिए, उनको विरोध करने की आवश्यकता क्यों थी? करने देते, क्यों उनको जबरदस्ती सर्वे कराने की नौबत आई? 3 दिन तक वहां पे कुछ नहीं मिला, चौथे दिन जब लास्ट हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? सर्वे 2 दिन सर्वे हुआ, आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं, आपको चौथे मालूम नहीं है? सिर्फ 2 दिन सर्वे हुआ और दोनों दिन सर्वे में जो फाइंडिंग आई वो रिपोर्ट में शामिल नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हो? देखिए आप तथ्य को जानते नहीं है, जानते नहीं है सर्वे 3 दिन कहाँ हुआ? सर्वे पहले दिन नहीं हुआ, दोबारा 2 बार सर्वे हुआ और 2 बार सुरक्षा बल के साथ कराया। पहले दिन सर्वे का विरोध हुआ, सर्वे में जो चीजें आई है वो सबके सामने है। हालांकि दूसरे सर्वे की रिपोर्ट को नहीं खोला गया है, लेकिन पहली रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है कि तहखाने में 4 दरवाजे हैं और उसको बंद कर दिया गया है, वजूखाने में शिवलिंग मिलता है, तहखाने में सनातन संस्कृति से संबंधित जो भी चिन्ह है वो मिलते हैं, वहां पे श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट मिलती है, वहां पे घंटियां मिलती है, वहां कमल मिलता है, वहां पे देव विग्रह की मूर्तियां मिलती है, वहां सिंदूर में लिपटे हुए मूर्तियां मिलती है, क्या इतनी चीजें ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था? सुनो मेरी, इसीलिए तो भाग गए। एक मिनट सुनो, जब औरंगजेब ने जबरदस्ती वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो ये सारी चीज छोड़ दी, ये सबूत कल को मिल जाएंगे, है नी? तो इस वजह से आप कह रहे हो सर, हिंदुओं का मान मर्दन किया जा सके, उनको हर पल बनाया जा सके कि शासक हम हैं और हम तुम्हारी आस्था को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, क्या क्या उसका प्रतीक है? आशु जी हमारी मस्जिद आस्था नहीं है, तमाम उम्र जब तक हम जिएंगे हमारी मस्जिद रहेगी। तो आशु जी आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज हिंदू पक्ष वाले लोग लेकर के रातों रात वहाँ पे थोप के आ गए? क्या आपको लगता है कि औरंगजेब को, औरंगजेब को क्या ये पता था कि आने वाले दिनों में यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी होगा और यहाँ पे न्याय भी होगा और यहाँ पे हिंदू पक्ष के लोग अपने न्याय की बात भी उठा सकेंगे? क्या इसका सुभा था औरंगजेब को? आप औरंगजेब छोड़िए साहब, इनको भी सुभा नहीं था कि कल को यहाँ सर्वे होगा। ये तो बाद में बनी है मस्जिद भी, अब तो जबरदस्ती तुम ताजमहल में भी मूर्ति बता रहे हो, जामा मस्जिद में बता रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की जितनी मस्जिद है शहीद कर दो और सब जगह मंदिर बना दो। सर ऐसे बात करने से बात नहीं बनेगी, आप कानून व्यवस्था और तथ्य पे बात करिए,
जब तथ्य ज्ञान मिले तथ्य उन पर चर्चा करिए। कल को ताजमहल पे मस्जिद नहीं है, कल को ताजमहल पे सर्वे होता है, उसी पर भी अगर कोई तथ्य मिलते हैं तो आज तक जो कहानी पढ़ाई गई हम सबको कि ताजमहल को सांझा ने बनवाया, मजदूरों के बाल कटवा दिए, हो सकता है वो कहानी भी बदल जाए। ऐसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई से कौन नहीं मोड़ सकते। आप सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो सच्चाई हट नहीं जाएगी, सच्चाई अपनी जगह रहेगी। आप उसका सामना करिए या उसको छोड़कर भाग जाइए, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, वो सब विनय शर्मा आएगी। ठीक है, ठीक है, विनय शर्मा की तरफ रुख करते हैं। विनय शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि सच्चाई कानून से बड़ी साबित होगी? न्यायिक प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। न्यायालय के आदेश पे सर्वे हो रहा है, जो भी सबूत मिल रहे हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं वो न्यायालय द्वारा सिद्ध किए जाएंगे, तो सर्वे रोकने की ऐसी जल्दी क्या थी? हाँ, या उसका विरोध क्यों किया जा रहा था? जो निकलना था निकलने तो, वो तो न्यायालय डिसाइड करेगी ना कि वो क्या है, सही है, गलत है, मंदिर के सबूत है या नहीं है, वो शिवलिंग है या नहीं है। न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा क्यों डाली जा रही थी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रामकुमार शर्मा जी, आपको क्या लगता है कानून यहां मजबूर होगा? देखिए, कानून कभी मजबूर नहीं होता, कानून तथ्यों पर चलता है, कानून जो सामने साक्ष्य होते हैं उनके अनुसार अपना निर्णय लेता है, और जो पत्रावली पे चीजें आती हैं चाहे वो सर्वे हो चाहे वो जितने तथ्य हो उनके आधार पर अपना निर्णय करता है। तो अभी तक जो साक्ष्य मिले उस पर कानून की क्या राय हो सकती है? साक्ष्य होंगे, जो साक्ष्य, देखिए जो साक्ष्य है वो न्यायालय के माने न्यायालय के समक्ष है, उस पर निर्णय आएगा। उससे पहले हमारा ये कहना कि वहाँ मंदिर था, निर्णय आ जाने दो, महाराष्ट्र में आंदोलन क्यों कर रहे हो, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत अनुचित होगा। जब जल्दबाजी महाराष्ट्र में आंदोलन करके क्यों व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, या आपको भी इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मान लीजिए लेकिन कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा लगाना तो गलत है ना, कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा लगाना तो गलत है ना। आप ये तो बात मानते हैं कि अगर कानून कोई प्रक्रिया करता है तो उसका अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे चोर की दाढ़ी में की कार्रवाई का पता नहीं लगाना चाहिए कि न्यायालय काम कर रहा करने को। एक बात सुन लीजिए, जब कानून पर भरोसा है तो दीवारें खड़ी क्यों कर दूंगा। महाराज सुन लीजिए एक मिनट के लिए, अगर कोई अचानक आके कोई एप्लीकेशन दे दे कि आपके इस स्टूडियो के नीचे मूर्ति है, मुझे सपने में आया कि यहाँ पे मूर्ति है, तो उसका सर्वे आप इसमें आपत्ति नहीं करेंगे? आप आपत्ति अदालत में करिए, लेकिन एक बार जब अदालत ने आदेश दे दिया तो उस आदेश का क्रियान्वयन में आप आपत्ति करते हुए इसको रोकेंगे क्या? ये तो कानून के रास्ते में हो रहा नहीं है। आप अदालत में जितनी मर्जी आपत्ति करिए, कौन मना करता है? अदालत में अपने पक्ष में सारी बात कहने का सबको हक है, लेकिन अदालत के निर्णय के खिलाफ जाने का हक थोड़ी है सड़क पे। ठीक है रामकुमार शर्मा जी, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे याचिका दी गई और रातों रात कोई फैसला हो गया। याचिका दी गई, उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि हम सर्वे कराएंगे, उसके बाद ये जानेंगे। आपने आपत्ति तो कोर्ट में भी दिखाई, आपत्ति आपने वहां जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सर्वे होना चाहिए। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद फिर सर्वे को रोकने की कोशिश की, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की कोशिश रोके की। रखे सर्वे को रोकने वैसे का कानून मानते हैं, कोर्ट मानते कोर्ट आदेश करे, चाहे निचली कोर्ट करे, चाहे अपर कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे। खैर आखिरी प्रतिक्रिया मैं सबसे जानना चाहूंगा, आखिरी प्रतिक्रिया फैजल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर थे जो हमारे साथ नहीं है फिलहाल, आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आपको क्या लगता है आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या है कि क्या तमाम सत्य और सबूतों के आधार पर फैसला भव्य मंदिर बनाने का होना चाहिए? बिल्कुल तथ्य आ गए हैं और एकदम थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, शिव मंदिर भी बनेगा और मथुरा में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। सिर्फ इनको जो है बीजेपी का कानून का ही डर। ठीक है, ठीक है, विनय शर्मा जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। सर सारा मामला सब जुडिस है, कोर्ट की निगरानी में सर्वे हुआ, सारे साक्ष्य कलेक्ट हुए हैं, अब न्यायालय उन साक्ष्यों को किस तरह लेती है। लेकिन फिलहाल जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि वहाँ पहले मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। अब आगे ये देखना होगा कि न्यायालय इन साक्ष्यों को, इन सबूतों को किस तरह से लेता है। ठीक है रामकुमार शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? रामकुमार जी गए। ठीक है अनिल गर्ग जी, बताइए आप क्या कहेंगे? जी मेरा ये मानना है, मामला चाहे ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो ताजमहल कुतुब मीनार का हो,
देश को सच्चाई जानने का हक है और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और सच्चाई सिर्फ जांच और सिर्फ जांच से सामने आ सकती है। हमें ये जानने का हक है जो आज तक इतिहास में पढ़ाया गया, क्या इतिहास वाकई वही था या इतिहास में कोई थोड़ा मरोड़ा गया, और ये सिर्फ जांच से ही साबित होगा। इसलिए मुझे लगता है जांच से किसी को भागना नहीं चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए। जहां तक आपने ज्ञानवापी इसकी बात की, मैंने शुरुआत में कहा ज्ञानवापी शब्द से ही पता लग जाता है कि वहां पहले एक भव्य मंदिर था, उसको औरंगजेब ने जानबूझ के हिंदुओं का मान मर्दन करने के लिए उसको आधा तोड़कर उसको ऊपर गुंबद बनाकर मस्जिद बनाई। ठीक है, अब ये सबूत सामने आ रहे हैं। बहुत जल्दी से आशु अपासी जी, चलिए लगता है उनका भी संपर्क हमसे टूट चुका है। होता है, कई बार होता है जब कई मुद्दों पे बात गर्मा गर्म बहस होती है और जब लगता है कि हमारे पास सबूतों की कमी है तो इस तरीके से संपर्क टूट जाता है अक्सर। खैर, हम जो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे सबको मैं धन्यवाद कहूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और अब जो बात है, बात वही आके रुक जाती है कि क्या कानून बड़ा है, क्या जो हमारे पास सत्य और प्रमाण मिले हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी कहीं नहीं की जा सकती, जो चीजें छन छन के आ रही है, पाताल से निकल के जो सच आ रहा है, जो तहखाने से निकल के सच आ रहा है, या जो जल समाधि के अंदर से सच सामने आ रहा है, क्या उसको कानून मानेगा, क्या कोर्ट उसके हिसाब से फैसला लेगा, क्या कोर्ट आस्था का सम्मान करेगा, या कोर्ट उस कानून को मानेगा जो 1991 में थोपा गया, इसको थोपा गया ही कहा जा सकता है। हालांकि कानून का सम्मान सभी पक्ष करेंगे, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, लेकिन सवाल फिर वही, आस्था बड़ा या कानून बड़ा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, न्यूज़ वॉच इंडिया देखते रहें, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।